वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। कहिंदे एक शहर दे विच एक बड़ा ही दौलतमंद बड़ा अमीर व्यापारी रहिंदा सी। ओ व्यापारी ने अपनी मेहनत ते अपनी इमानदारी दे नाल बहुत सारी जमीन जायदाद धन दौलत इकट्ठी कीती। जिन्नी उस व्यापारी दे कोल धन दौलत सी ना उन्ना ही उहदा नाम वी सी। चार छपेरे उस व्यापारी दे चर्चे सी ते कहिंदे उस व्यापारी दे दो पुत्तर सी। उन्हें अपने पुत्तरां नूं चंगा पढ़ाया लिखाया। पुत्तर जद वड्डे हो गए पढ़ लिख गए ता एक दिन व्यापारी ने सोचिया कि हुण मेरे पुत्तर मेरे कारोबार मेरे कामकार नूं संभालण दे योग हो गए आ ता क्यों ना इह सारी जिम्मेवारी इन्हां नूं दे दित्ती जावे। ते कहिंदे व्यापारी ने इह सोच के दोहां पुत्तरां नूं अपने कोल बुलाया अते बुला के कहण लगा कि पुत्तरो मैं सारी उम्र बहुत काम कार किया है। छोटी जी दुकानदारी तो काम कार शुरू किया सी अते छोटी जी दुकानदारी तो ही मैं इन्ना वड्डा कारोबार बना लिया। इसलिए हुण मैं चाहना हाँ कि ये सारी जिम्मेवारी सारा कारोबार तुसी संभालो तो मैं ये कारोबार जमीन जायदाद घर बार सारा सब कुछ दो हिस्सों दे विच वंड दिता है। जो मैं करना सी अज तक कर लिया है हुण अगों तुहाडी वारी आ तो मैं चाहना हाँ कि तुसी मेरे कमाए हुए नूं कदे भी गवायो ना अते वेले रह के खाण दी आदत पायो ना। तुसी मेरे नालों भी ज्यादा सफल मेरे नालों भी ज्यादा कामयाब इंसान बनो। ते कहिंदे दोवां पुत्तरां ने कहा कि पिता जी तुसी फिकर ना करो असी तुहाडे भरोसे नूं कदे भी टुटण नहीं दवांगे। असी भी तुहाडे वांग पूरी मेहनत अते इमानदारी दे नाल काम करांगे अते अपनी जिंदगी दे विच अपने कारोबार दे विच अगे वधांगे। ते कहिंदे सेठ जी ने कहा पुत्रो अपने काम कार अपने कारोबार नूं वधाउण दे लई सिर्फ इमानदारी अते मेहनत ही काफी नहीं आ। इहदे नाल नाल साडे विच होर भी गुण होर भी खूबियां होणियां बहुत जरूरी ने ता ही असी अपने कारोबार अपने काम कार नूं अगे वधा सकदे आ। क्योंकि इस दुनिया दे विच बहुत लोक ने जो बहुत मेहनत करदे आ बहुत ईमानदार आ पर सारे ही मेहनती अते ईमानदार लोक सफल नहीं हो पाउंदे। ते कहिंदे उहदे पुत्तरां ने कहा कि पिता जी तुसीं सानूं साफ स्पष्ट दसो कि तुसीं सानूं की समझाउणा चाहुंदे आ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ दुकान ते जाने हो अपने काम कार नूं शुरू करदे हो सब तो पहला उस वाहिगुरु जी दा शुकराना करना है। क्योंकि बहुते मनुख अपने काम कार अपने कारोबार नूं कोसदे रहिंदे आ कि मेरा काम बड़ा औखा है जां फिर कई प्रकार दीआं होर गल्लां करदे ने। पर जो भी आपां किरत करदे आ भावें छोटी दुकानदारी आ भावें वड्डी दुकानदारी आ जो भी मालक ने सानूं किरत बख्शी आ ना उस किरत दा शुकराना करना बहुत जरूरी आ। तां फिर हर रोज़ अपने कामकार वाली जगह दे उत्ते जाके कामकार शुरू करन तों पहलां वाहिगुरु जी दा शुकर करना है कि वाहिगुरु जी तुहाडा शुकर है कि तुसीं आ किरत मैनूं बख्शी जिहदे नाल मेरे परिवार दा पालन पोषण हो रहा है। क्योंकि जिन्ना ही अपनी किरत दा शुकराना करांगे उन्ना ही साडी कीती हुई किरत कमाई दे विच बरकतां पैंदियां ने। तां सब तों पहली गल इह आ कि अपनी किरत कमाई दे लई मालक दा शुकराना करना है कि मालका शुकर है कि तुसीं मैनूं इह कम्मकार इह कारोबार दित्ता। अते दूसरी गल कि जो भी मालक ने तुहानू किरत बख्शी आ उहदे विच रज के मेहनत करनी आ अते इमानदारी दे नाल मेहनत करनी आ। तीसरी गल कि जदों भी आपां कोई भी काम कार करदे आ ना ता हर एक काम दे विच बहुत कंपीटीशन आ सानू बहुत अजिहे मनुख मिलणगे कई विच लत्तां खिच्चण वाले हुंदे ने कई हौसला वधाउण वाले हुंदे ने पर असीं अपनी चाले चलदे जाणा है भाव कि साडा ध्यान ਸਾਡੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
फिर उत्थे पहुंच के रुक जाते ने, उन्हां दा उत्साह उन्हां दा चा उत्थे ही मर जाता है, रुक जाता है। तब भुल के भी कभी दूजिया दे नाल मुकाबला नहीं करना, साडा मुकाबला साडे खुद नाल होना चाहीदा है। खुद नाल मुकाबला सानू दिनों दिन बेहतर बनाउंदा है, दूजिया दे नाल कीता होया मुकाबला सानू दिनों दिन कमजोर बनाउंदा है, क्योंकि जिस दे नाल असीं मुकाबला करदे आ जे ओह साडे नालों अगे वध गया तां साडी हिम्मत हौसला टुट जाणा है, अते जेकर असीं ओहदे नालों वध गए तां साडा उत्साह उत्थे ही रुक जाणा है, क्योंकि साडा लक्ष्य ही उन्ना के असीं मिथ्या सी। इसलिए दूजिया दे नाल मुकाबला नहीं करना, अपने आप नाल मुकाबला करना है, अते भुल के भी कदी दूजिया दे नाल ईरखा नहीं करनी, क्योंकि ईरखा वस पिया इंसान अपने आप वल ध्यान नहीं दे पाउंदा, उहदा सारा ध्यान दूजे दे काम दे विच हुंदा है कि उहदी दुकान ते कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उहदी किन्नी क चीज विक गई आ। दुकानदारी दी उदाहरण सिर्फ समझाउण करके दित्ती आ कि सौखा समझ आ जावे, बाकी किसी भी कामकार किसी भी कारोबार दे विच सानू दूजिया दे नाल ईरखा नहीं करनी चाहीदी, क्योंकि ईरखालू बंदा अपने कम्मां वल घट अते दूजे दे कम्मां वल ध्यान ज्यादा दिंदा है, अते हमेशा अपने विरोधी नूं नुकसान पहुंचाउण बारे सोचदा रहिंदा है। इसलिए कदे भी ईरखा नहीं करनी, अते जो मालक ने सानू दित्ता है उहदा कदे भी हंकार नहीं करना, अते अपने कम्मकार अपने कारोबार दे विच हमेशा सिखदे रहना है। जो भी काम कर रहा जो भी किया है ना, उहदे विच नवी नवी तकनीक नवी नवी जानकारी बारे सीखते रहना है, जिन्ना सीखांगे उन्ना ही अगे वधांगे। जिद्दन सीखना छड्ड दिता समझो साडा वाधा साडी तरक्की उत्थे ही रुक गई। अते नैगेटिव लोकां दी संगत तों बच के रहना है, अपने आप दे उत्ते भरोसा रखना है, अपने वाहेगुरु जी दे उत्ते भरोसा रखना है, क्योंकि जेकर साडी किरत सच्ची सुची आ, असीं इमानदारी दे नाल मेहनत कर रहे हां, साडा मुकाबला अपने आप दे नाल आ, साडे मन दे विच दूजिआं दे प्रति ईरखा नहीं आ, अपनियां प्राप्तियां दा साडे मन विच हंकार नहीं आ, अते असीं दिनों दिन नवीं तकनीक नवीं जानकारी बारे सिखदे जा रहे हां ना, तो कोई चाह के भी सानूं नुकसान नहीं पहुंचा सकदा, सानूं इन्ना विश्वास होना चाहीदा है। पर जदों असीं नैगेटिव लोकां दी संगत करदे हां तां नैगेटिव लोकां दी संगत करके साडी विचारधारा नैगेटिव हो जांदी आ, असीं फिर वाधे बारे नहीं असीं नुकसान बारे सोचदे हां, क्योंकि कई मनुख ने उन्होंने जदों भी कोई काम धंधा शुरू करना हुंदा है वो सब तो पहला उहदे नुकसान बारे सोचना शुरू कर देंदे आ कि किते मैनूं घाटा ही ना पै जावे, किते मैनूं नुकसान ही ना हो जावे। तां जेकर नुकसान बारे सोचांगे तां नुकसान ही होवेगा, पर जे अपनी कामयाबी तरक्की बारे सोचांगे तां जरूर कामयाब हो जावांगे, क्योंकि ये मन दा मंत्र आ। जिन्ने मन दे इस मंत्र नूं समझ लिया ना कि जो भी असीं अपने मन विच सोचदे आ साडा मन उसे प्रकार दे नाल साडे लई काम करदा है, उही चीज सानूं दिंदा है, तां उस दिन तो ही असीं अपनी जिंदगी दे विच खुश रहना शुरू हो जावांगे, क्योंकि असीं मन दे मंत्र नूं समझे नहीं आ। असीं अपने मन नूं नैगेटिव विचारां दे नाल भर के रखदे आ, नैगेटिव गल्लां दे नाल भर के रखदे आ कि किते मैनूं घाटा ना पै जावे, किते मेरा नुकसान ना हो जावे, फलाना बंदा मैनूं धोखा ही ना दे जावे, तो जदों फिर माड़ा माड़ा सोचदे आ तां साडे नाल माड़ा होणा शुरू हो जांदा है। इसलिए जी आपां चाहुंदे आ कि साडे नाल सब कुछ चंगा चंगा होवे, जिंदगी दे विच असीं कामयाब होईए, तरक्की करिए, खुश रहिए, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ।